हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड मस्ट बी स्टडिंग वेल। ये मेरे लिए पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कंसेप्ट की तमाम बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने जो ड्रॉवर के पास चार ऑप्शंस होती हैं, ड्रॉवर जिसको हम अपने एग्जांपल में अक्सर ए के नाम से भी बोलते हैं, उसके पास जो चार ऑप्शंस होती हैं टू डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको बहुत अच्छे से समझा था। चलिए अब जल्दी से उन चारों ऑप्शंस को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब ड्रॉवर अपने पास रखे, जिसको हम ए बोलते हैं, वो अपने पास रखे टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड गेट द कैश ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरी जो ऑप्शंस होती है वो होती है एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। अगर ड्रॉवर ने, ए ने मान लीजिए, अगर अपने किसी क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो वो उसी बिल को सी को एंडोर्स कर देगा, जिसको हम पेई भी बोलते हैं, और खुद पिक्चर से निकल जाएगा। फिर उस पेई की ड्यूटी हो जाएगी कि वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर जाके वो ड्रॉई से पैसा ले, बी से पैसा ले। थर्ड ऑप्शन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस। इट मीन्स अगर ड्रॉवर को लगता है कि मैं उसको बिल को ठीक से नहीं रख पाऊंगा, या मैच्योरिटी डेट कहीं मेरे से स्लिप ना हो जाए, माइंड से निकल ना जाए और पीरियड निकल जाए, तो वो उस बिल को जाके बैंक को दे देता है। बैंक उसकी मैच्योरिटी डेट को अपने कंप्यूटर पर नोट कर लेता है और अपने किसी एजेंट को भेज के वो ड्रॉई से पैसा ले आता है और उस पैसे को वो ड्रॉवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। फोर्थ ऑप्शन है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब देखिए, इन केस अगर ड्रॉवर को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन बिटवीन, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके दिया हुआ 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट पे मेरे से पैसा ले लेना, लेकिन हो सकता है कि ड्रॉवर को पहले ज़रूरत पड़ जाए, ड्रॉई तो पैसा देगा नहीं, वो तो मना कर देगा कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पर आ जाना और मेरे से पैसे ले जाना, तो उस केस में क्या करता है ड्रॉवर, उसी बिल को, साइन किए हुए बिल को वो बैंक के पास लेके जाएगा और बैंक उसको इमीडिएट पैसा दे देगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए बैंक थोड़े से डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है, बड़े नॉमिनल चार्जेस होते हैं। फिर ड्रॉवर पिक्चर से आउट हो जाता है, बैंक पिक्चर में आ जाता है। बैंक की ड्यूटी है कि वो जाके ड्रॉई से पैसा लेके आए और फिर वो जो कैश है वो बैंक का कैश होता है, क्योंकि बैंक ने तो ड्रॉवर को ऑलरेडी पैसा दे दिया है पहले ही। तो ये स्टूडेंट्स चार सिचुएशंस होती हैं, नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है। लेकिन कहते हैं ना, बिज़नेस में हर दिन नॉर्मल नहीं होता, कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव डेली रहते ही हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी सब कुछ नॉर्मल आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन चेंजेस के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहला है रिटायरिंग द बिल, फिर है रिन्यूअल ऑफ बिल, और सबसे लास्ट में है डिसऑनर ऑफ बिल, जिसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। मैं क्या, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि बिल डिसऑनर हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं रिटायरिंग द बिल। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे गुड डेटर्स हैं, जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने बिल 3 महीने के ऊपर भी एक्सेप्ट किया हुआ है और उनके पास इन बिटवीन अगर कैश अवेलेबल होता है, मान लीजिए 1 महीने बाद ही कैश अवेलेबल है, तो वो ड्रॉवर को पूछते हैं कि हम ये पैसा पहले ही देना चाहते हैं, आप अभी ले लो, मेरे पास अभी इस समय कैश है, तो बाद में 3 महीने बाद हो ना हो आप अभी अपना कैश ले लो। तो ड्रॉवर को और क्या चाहिए, वो तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ड्रॉई इसके लिए कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये, मान लीजिए 10,000 रुपये देने थे, 10,000 रुपये अगर आपको अभी दे रहा हूँ तो आप 150 रुपये तो मेरे को छोड़ दोगे ना, तो ड्रॉवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसको 2 महीने पहले भी तो मिल रहे हैं ना पैसे। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिटायरिंग द बिल। बिल को हमने पहले ही, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, हमने रिटायर कर दिया और कैश आ जाता है ड्रॉवर के पास। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ थ्रू समझते हैं, उसके बीच में ही जो भी रिलेटेड बात होगी मैं आपको समझाता चलूँगा। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ऑन 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ए ने बी को 10,000 रुपये का गुड्स बेचा 1 जनवरी को, एंड ड्रॉ अपॉन हिम ए बिल एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट। इसी अमाउंट का बिल ड्रॉ कर दिया। ये लाइन तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉमन लाइन है, आपको पहली दो जनरल एंट्रीज तो आंख मीच के कर ही देनी है। कौन सी एंट्रीज हैं, 2020 जनवरी 1, ए ने गुड्स बेचा बी को, बी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में गुड्स बिका हुआ है, टू सेल्स अकाउंट।
10,000 रुपया। इसी तरह बी भी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 2A, क्रेडिट परचेज किया उसने 10,000 रुपीज। इसके बाद एक जनरल एंट्री और है, सेम डेट पे ही है, यहाँ मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे बी की भी 1 जनवरी की डेट है। सेकंड जनरल एंट्री होती है, बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया है ए के पास, तो ए के पास क्या आ गया, उसको हम डेबिट कर देंगे, उसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, आधा नंबर नहीं कटवाना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ से, और 2B, बी को वो यहाँ पे रिवर्स कर देगा 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि उसके पास अब बिल्स आ गया है साइन होके। इसी तरह अब बी भी करेगा, सेम डेट को करेगा, वो क्या करेगा, ए अकाउंट को डेबिट कर देगा और बिल्स पेबल जो उसने पे करना है उसको वो क्रेडिट कर देगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन एंट्रीज हैं, कोई फर्क नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, ये तो हम कर चुके। ऑन 4th March 2020 बी रिटायर्स द बिल अंडर रिबेट ऑफ 6% पर एनम, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ ए एंड बी। वो कह रहा है 4th March को, जबकि इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए थी, अप्रैल की होनी चाहिए थी, ड्यू ग्रेस पीरियड लगा के 4 अप्रैल, 4th March को, यानी कि एक महीना पहले, March 4th, बी ने पैसे दे दिए विद द रिबेट ऑफ 6%। उसने कहा जी 6% मेरे को रिबेट दे दो पर एनम के हिसाब से। तो क्या हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला है, रिबेट अकाउंट डेबिट, कुछ तो रिबेट दी ना। अब ये रिबेट जो है ये ए के लिए तो एक्सपेंस हो गया, उसको तो 10,000 मिलने थे, चाहे 50-100 रुपये जो भी कम मिलेंगे उसके लिए तो एक्सपेंस है, तो उसको वो डेबिट कर देगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो क्रेडिट कर देगा। इस अकाउंट को बंद कर दिया उसने अकाउंट, ये वाला बस इतना सा क्वेश्चन है ये वाला। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिखना है। अब देखिए 10,000 रुपीज़ के ऊपर कितना रिबेट देगा वो, 6%, और सिर्फ से एक महीने का है ना, तो 6% मतलब 600 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 12, 50 रुपीज़ ले रहा है बस वो, सिर्फ से 50 रुपये वो कम दे रहा है, 50 रुपये हम रिबेट में डाल देंगे और 9950 हम कैश में डाल देंगे। इट मीन्स उसने 50 रुपये काट के 9,950 रुपये दे दिए, ए भी खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 रुपये कट के मिला, लेकिन कैश तो उसके पास आ गया ना एक महीना पहले। अब बी क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट को वो डेबिट कर देगा, ख़त्म हुआ उसका बिल्स पेबल अकाउंट। 2 कितने से करेगा, 10,000 रुपये से, ये अकाउंट उसने खड़ा किया हुआ था ना, तो 10,000 रुपये से वो क्लोज करेगा। 2 कैश अकाउंट, कैश या बैंक अगर चेक देता है तो बैंक अकाउंट। 2 रिबेट अकाउंट, ये रिबेट उसको इसलिए क्योंकि उसको तो बेनिफिट हो गया ना, उसको गेन हो गया 50 रुपये का, और 9950 वो पे वो कैश पे कर देगा, बस ख़त्म कहानी। तो ये एग्जांपल हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, बहुत आसान एग्जांपल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल को समझते हैं, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अब हम और आगे चलते हैं, अब समझते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ड्रॉई जिसको हम बी के नाम से भी अक्सर बोलते हैं, ही एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू पे द ड्यू अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी पास आने वाली है और ड्रॉई को अगर ये लगता है कि मैं इस बिल को पैसा नहीं दे पाऊँगा, नहीं जुटा पाऊँगा पैसा, तो ऐसे में वो क्या करता है, ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि देखो मेरी पोजीशन नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको ये पैसा दे पाऊँ, डेट ऑफ मैच्योरिटी जब पास आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बिल डिसऑनर हो। स्टूडेंट्स कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि बिल डिसऑनर हो, क्योंकि बिल डिसऑनर होने का मतलब होता है आपकी मार्केट में वैल्यू ख़राब होना, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है ख़त्म हो जाएगी, आपको मार्केट में कोई भी फिर आपको आगे के लिए क्रेडिट पे गुड्स नहीं सेल करेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ, आप मेरा बिल डेट ऑफ मैच्योरिटी पास आ गई है, आप इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दो। तो अब ड्रॉवर क्या करेगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ड्रॉई की बात को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो बोलेगा कि मैं ठीक है इस बिल को कैंसिल करता हूँ और इसके बदले में एक नया बिल आपको बना के दूंगा, 2 महीने की जिसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी,
और इस 2 महीने के पीरियड के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट मैं चार्ज करूँगा। तो ये ड्रॉय को भी एक्सेप्टेबल होता है, कहता तो ठीक है आप इस बिल आप मेरे को 2 महीने के उस पर रेट कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिएगा, फ़िलहाल इस बिल को कैंसिल करिए और नया बिल बना दीजिए। तो ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स रिन्यूअल ऑफ बिल। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल्स के साथ इसकी क्या क्या इसमें जनरल एंट्रीज बनेंगी हम, और रिलेटेड जो बातें होंगी वो मैं ड्यूरिंग द इलस्ट्रेशन ही आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स आपकी TS ग्रेवाल की बुक से मैंने ली है, पेज नंबर 16.21 है मेरी बुक में और इलस्ट्रेशन नंबर है 17। आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट तो आपको वीडियो पे लगा के दे रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशंस कुछ इस तरह से है। ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहीं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या डेट ऑफ मेच्योरिटी वगैरह नहीं दी है, सिर्फ से इनका मकसद है आपको जनरल एंट्रीज को बताना। तो यहाँ पे डेट नहीं है तो हम भी ऐसे ही जनरल एंट्रीज फटाफट करते चलेंगे। तो पहली एंट्री हो गई हमारी, बी को डेबिट हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और CGST और SGST भी है तो इसलिए टू सेल्स के साथ में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। 10,000 का सेल है, इसके ऊपर 9% इट मीन्स 900 और 900 ये CGST SGST लग गया और 11,800 रुपीज़ उसने डेबिट कर दिए ए ने बी को। इसी तरह बी भी परचेज की एंट्री कर लेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ बी के लिए, ये इनपुट CGST और इनपुट SGST होगा, इनपुट CGST 900 रुपीज और इनपुट SGST 900 रुपीज टू ए, ये एंट्री बी अपने अकाउंट में कर लेगा 11,800 रुपीज से। ठीक है आगे चलते हैं। बी पेज रुपीज 1,800, बी ने ये जो 1,800 है GST के ये पे कर दिए एंड एक्सेप्ट ए बिल ऑन हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, और इसके बाद इस बिल को एक्सेप्ट करके ए को भेज दिया। तो बी ने अगर ये 1,800 रुपीज़ कैश दे दिया तो हम क्या एंट्री कर देंगे इसकी, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, कैश मिल गया उसको 1,800 रुपीज़ से, और बी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बी के अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा ना 1,800 रुपये से, तो ये अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह बी भी अपने बुक्स में कम करेगा, ए अकाउंट को वो डेबिट कर देगा टू कैश, उसने कैश दे दिया 1,800 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और बैलेंस बिल पे एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। बैलेंस बिल कितने का है, 10,000 रुपीज का। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 रुपीज। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको। इसी तरह ए अकाउंट को वो डेबिट करेगा और इसके बदले में वो क्या कर देगा, बिल्स को पे कर, बिल्स पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा अपनी बुक्स में। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल है। अब आगे चलते हैं क्या हुआ। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले बी रिक्वेस्ट ए टू कैंसिल द बिल एंड एक्सेप्ट ₹3,000 एज पार्ट पेमेंट एंड टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल ऑन हिम फॉर ₹7,200 फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ₹200 बींग द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। बी ने क्या किया, बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले ए को रिक्वेस्ट करता है कि मैं ये ₹10,000 नहीं दे पाऊँगा, आप मेरे से फिलहाल ₹3,000 ले लो और इस बिल को कैंसिल कर दो और एक नया बिल बनाओ। बैलेंस कितने रह जाएंगे अगर वो 3,000 दे देगा तो 7,000 रह जाएगा। वो कह रहा है 7,000 के ऊपर आप ₹200 एज इंटरेस्ट भी चार्ज कर लो और ₹7,200 का एक नया बिल बना दो। तो ए एग्रीज टू द प्रपोजल, द न्यू बिल इज़ ड्यूली ऑनर्ड। वो ए एक्सेप्ट कर लेता है और ये बिल जो है ड्यूली ऑनर भी हो जाता है, लास्ट में पेमेंट भी हो जाती है। तो इसकी जनरल एंट्रीज हमें ए और बी की बुक में दोनों में बनानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब बी ने रिक्वेस्ट किया है ए को टू कैंसिल दिस बिल। अब इस बिल को अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसकी एग्जैक्टली अपोजिट एंट्री कर देंगे। कैंसिल करने के लिए क्या होगा, अब बी को उसको फिर से डेबिट करना पड़ेगा, बी अकाउंट डेबिट
बी को देने हैं ना पैसे, अब तो उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो बिल है ये तो अब बेकार हो गया ना, इसको तो फाड़ के फेंकना है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि इसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई, इस बिल को कैंसिल कर दिया। इसी तरह बी भी अपनी इस एंट्री की अपोजिट कर देगा एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये बिल्स पेबल का जो वाउचर है ये बी के लिए अब ख़त्म हो गया, बेकार हो गया 10,000। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत आसान है। और आगे चलते हैं, वो कह रहा है 3,000 रुपये ले लो मेरे से, 3,000 रुपये दे दे भाई, ये ले कैश अकाउंट डेबिट टू बी। अब बी के अकाउंट में कितना कम रह गया, 7,000 रुपये अब देने हैं बस, कैश उसने दे दिया। यहाँ पे वो क्या करेगा, ए अकाउंट को डेबिट कर देगा, उसका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा टू कैश 3,000। आगे वो क्या कहता है, बी कहता है कि मेरे से 200 रुपये आप एज इंटरेस्ट और चार्ज कर लो, और जो बैलेंस अमाउंट रह गया है 7,000 रुपया, इसके ऊपर 7,200 का आप मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ करो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट का उसने ऑफर दिया है 200 रुपये का, तो वो 200 रुपये बी को डेबिट करने पड़ेंगे। तो ए अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, बी अकाउंट को और डेबिट करेगा, बी अकाउंट को वो इंक्रीज करेगा कितने से, 200 रुपये से, और इंटरेस्ट को वो क्रेडिट कर देगा। ए के लिए इंटरेस्ट जो है ये रिवेन्यू है, ये एक गेन है, इसलिए गेन को क्रेडिट करते हैं, उसने क्रेडिट कर दिया, और बी के लिए ये इंटरेस्ट एक और खर्चा आ गया, तो वो उसको डेबिट कर देगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 रुपया टू ए, बी ने 200 रुपये से ए को और क्रेडिट कर दिया है, और ए ने बी को 200 रुपये से और डेबिट उसका इंक्रीज कर दिया। अब कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, 7,200 रुपये का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बी ने साइन करके ए को दे दिया, तो अब एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देखिए जैसा जैसा बोलता जाए आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, टू बी ये करेगा अपने यहाँ एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने रुपए से, 7,200 रुपए से। क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर बी उसको पेमेंट कर देता है, तो बी पेमेंट करेगा तो बी के अकाउंट में आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट को वो कैंसिल कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश पे कर देगा। और ए क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा 7,200 से टू, और बी के अकाउंट को वो क्लोज कर देगा क्रेडिट करके 7,200 रुपये से। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इलस्ट्रेशंस पूरी हो जाती है, बहुत आसान इलस्ट्रेशंस थी, इसमें सिर्फ से आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है बस, अब बाकी आपको सब कुछ आता है, आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं, आप आराम से कर लोगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स, अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपने डिसऑनर ऑफ बिल को हम समझेंगे और इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस करेंगे, 2-3 इलस्ट्रेशंस हमको करने पड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ अगर डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करिए। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सबसे बड़ी बात आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।